दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी इस पर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी अपने एग्ज़ाम में 400 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट अंडर 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। दोस्तों आसान भाषा में जानिए कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार से तमाम संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है जो गिनती की संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन से यदि इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिए रूट अंडर 3 दिया गया है। तो क्या रूट अंडर 3 को रूट अंडर 27 से गुणा करने पे जो प्राप्त गुणनफल होगा वह प्राकृत संख्या होगा? आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यदि हम रूट अंडर 3 में रूट अंडर 27 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना होता है? रूट अंडर 81 होता है। और आप सभी को मालूम होगा कि रूट अंडर 81 का वर्गमूल 9 होता है जो कि एक प्राकृत संख्या है। और क्वेश्चन में भी हमसे पूछा था कि एक ऐसा ऑप्शन को चयन कीजिए जिसमें रूट अंडर 27 से गुणा करने पे एक प्राकृत संख्या की प्राप्ति होती है जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रूट अंडर 7 कौन सी संख्या है? पहला ऑप्शन में दिया गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। तो जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि वैसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर 7 हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया, ये तमाम संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि 2 प्लस रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 एक परिमेय संख्या है, रूट अंडर 2 का वर्गमूल ना होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। फिर सवाल में बोला जाएगा कि 2 माइनस रूट अंडर 3 कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे भी देखिए 2 परिमेय संख्या है लेकिन रूट अंडर 3 तो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर यानी जो घटाव होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका हमें शून्य ज्ञात करना होगा। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन था कि 4x² - 3 दिया गया है, इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x² - 3 है तो बराबर के उधर लिखेंगे तो ये -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² = 3 तो यहाँ पे 4 गुना में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि x पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को हमें हटा देना है। तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो 3/4 पे रूट आ जाएगा। आइए इस प्रकार से रूट लगा देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि रूट अंडर 3 का तो कोई भी वर्गमूल नहीं होता है लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि प्लस और माइनस में होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब +√3/4 आएगा, तो √3/2 आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा -√3/2 और +√3/2। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि बहुपद px में दे रखा है x² + 7x + 10 के शून्यक α, β हो तो α + β का मान क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा α + β के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो होते हैं -b/a, वहीं पे α × β का फॉर्मूला c/a होता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो a का हमारा मान 1 हो जाएगा। b का मान की बात करें तो यहाँ पे 7 दे रखा है और c का मान जो है वो 10 दिया गया है। अब हमें चाहिए -b का मान। दोस्तों b का मान ऑलरेडी प्लस में दे रखा है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस लगा देंगे और b का मान 7 है। a का मान देखेंगे तो 1 दिया गया है तो इसमें हमें 1 से भाग लगा देना होगा।
माइनस सात में यदि एक से भाग लगा भी देंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब माइनस सात आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन पांच को देखिए। क्वेश्चन पांच कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस चार के शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए का मान लिख लेते हैं, एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम लोग एक्स का मान ए का मान एक लिख लेंगे। बी का मान देखेंगे तो ये माइनस एक्स दिया गया है, इसका कोई भी वैल्यू ना होने के कारण इसका ही मान हम लोग एक मानेंगे। सी का मान की बात करें तो सी का मान दोस्तों चार है। अब हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी का मान, तो बी का तो मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस एक बटा ए का मान भी एक है तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी एक बटा एक कट के कितना आ जाएगा तो एक आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना होगा अल्फा इंटू बीटा का मान, इसका फॉर्मूला सी बटा ए होता है। सी की मान की बात करें तो दोस्तों चार दिया गया है, ए का मान यहाँ पे एक है तो एक लिखेंगे और ये चार बटा एक कट के कितना आ जाएगा तो चार आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमको ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस ज्ञात करना है बीटा स्क्वायर। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कर देंगे टू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की बात की गई है और अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग कितना ज्ञात कर लिए हैं तो एक ज्ञात कर लिए हैं, तो हम लोग इस प्रकार से एक का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस दो गुने अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है तो चार आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक का स्क्वायर एक लिख सकते हैं, माइनस को माइनस लिख देंगे, दो का पहाड़ा हमें चार बार पढ़ना होगा तो चार दुनी आठ हो जाएगा। अब एक में से आठ घटाइएगा ना तो जाहिर सी बात है माइनस सात आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा माइनस सात। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन छ को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन छ कहता है कि निम्नलिखित में से एक्स माइनस तीन वाई बराबर जीरो टू एक्स माइनस चार वाई बराबर दस का हल क्या होगा। तो ऐसे समीकरण को हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए दिया गया x माइनस तीन वाई बराबर जीरो, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, दो से गुना करना है। तो यदि x में दो से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा ये दो एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे। तीन में दो से गुना करेंगे तो ये तीन दुनी छ वाई हो जाएगा बराबर जीरो में यदि दो से गुना करती हैं तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। उसके बाद में नीचे वाले समीकरण को सेम टू सेम लिखिए, 2x को 2x कर दीजिए प्लस 4y को सेम टू सेम लिख दीजिए बराबर 10 को सेम टू सेम हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिंबल को चेंज करना होगा, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, और ये भी हमारा प्लस है तो माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा कि 2x से 2x कट जाएगा, माइनस 6 और माइनस 4 मिलकर कितना हो जाएगा तो 6 चार 10 यानी माइनस 10y हो जाएगा। माइनस 10 और 0 मिलकर ये भी हमारा माइनस 10 हो जाएगा, इसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यदि y बराबर हम 10 लिखते हैं ना तो 10 गुना में है तो ये हमारा भागा में आ जाएगा, इसे हम लोग आसान तरीके से एक मरतबे कटा सकते हैं। तो यहाँ तक बनाने के बाद आपको एक चीज़ मालूम चल गया होगा कि हमें y का वैल्यू तो पता चल ही गया है कि y का मान एक हो गया है। अब इसी का क्या करेंगे कि y का मान हम लोग समीकरण एक में रख देंगे, तो समीकरण हमारा 2x माइनस 6y बराबर 0 था, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक को कि 2x माइनस 6y बराबर 0 लिखेंगे। तो 2x को सेम टू सेम लिखिए, 6 गुने y का मान एक को लिखना है बराबर 0, इससे क्या होगा कि 2x माइनस 6 में x ना करेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर ये माइनस 6 है बराबर उधर जाकर प्लस 6 हो जाएगा। यदि x बराबर हम 6 लिख देते हैं ना तो दो गुना में ही बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो तीन दुनी 6 मरतबे ये कट जाएगा। इससे हमें ये पता चला है कि x का मान हमारा 3 आ गया है, y का मान 1 आ गया है, तो x का मान 3 y का मान 1 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 7 कहता है कि यदि किसी द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो के विवेचक शून्य है तो मूल बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मूल बीटा का जो मान होगा ना वो बी बटा टू सी होगा, जो कि एक फार्मूला है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समांतर श्रेढ़ी जिसे हम लोग AP कहते हैं, इसका पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी समांतर श्रेढ़ी। कह रहा है कि रूट अंडर 2, √8, √18, √32 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों सार्वंतर को हम लोग डी कहते हैं। इसे ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी दूसरे पद और पहले पद के अंतर को ही सार्वंतर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो रूट अंडर 2 दे रखा है, ये आपका a1 का मान है, ये a2 का मान है, ये आपका a3 है और ये आपका a4 है। हमें तो चाहिए a2 का मान, a2 का मान रूट अंडर 8 है, तो हम लोग लिखेंगे √8 - a1 का मान। a1 का मान देख लीजिए रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि रूट अंडर 8 को गुणनखंड करना है, 2 × 4 × 8 कर देना है और माइनस रूट अंडर 2 को ज्यों करते हुए लिख देना है। अब इससे क्या होगा कि डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और 1√2 जो है वो सेम टू सेम रूट में ही रह जाएगा, और माइनस इसे सेम टू सेम लिख दीजिए। अब आप ही बताइए कि 2√2 में से 1√2 को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 1√2 आएगा, यानी √2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका समांतर श्रेढ़ी चैप्टर से ही लिया गया है। और सवाल ने दे रखा है कि किसी समांतर श्रेढ़ी का प्रथम पद -2 और सार्वंतर 2 है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, तो a का मान कहते हैं, यानी a का जो मान है ना वो -2 दिया गया है। सार्वंतर को हम लोग डी कहते हैं, डी का मान यहाँ पे 2 दे रखा है। हमसे पूछा गया है इसका तीसरा पद बताइए, किसका तीसरा पद क्या हो जाएगा। तो हम तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो a3 ज्ञात करने का आसान फार्मूला, जितना पद आपको ज्ञात करना हो उसमें से एक कम कीजिए और a प्लस में डी लगा दीजिए, यानी a प्लस हमें तीसरा पद ज्ञात करना है ना, तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके साथ हमें d लगा देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a का मान हमें चाहिए, a का मान दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -2 है, तो -2 लिखेंगे प्लस 2 × d का मान। तो d का मान यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा कि -2 प्लस 2 में 2 से ना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि -2 और +4 मिलकर कितना होगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास मान लेते हैं 2 रुपया कर्ज है, कहीं से आपको 4 रुपया की प्राप्ति होती है, कर्जदार को 2 रुपया दे भी दीजिएगा ना, तो आपके पास 2 रुपया बचेगा जो कि प्लस में बचेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में 2 दे रखा है जो कि क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी समांतर श्रेढ़ी का प्रथम पद a का जो मान है वो -2 है, सार्वंतर 2 है, तो तीसरा पद कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 10 कहता है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। पहला ऑप्शन से चलेंगे तो sin 60 दे रखा है, sin 60 का मान आप सभी को मालूम होगा √3/2 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो √2 चाहिए। ऑप्शन बी को देखिएगा ना, तो sin 45 दे रखा है जिसका मान 1/√2 होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखेंगे तो sin 30 दिया गया है और 37 का मान 1/2 होता है, हमें तो चाहिए √2 ना, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी से चलते हैं, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 1/sin 45 का मान। दोस्तों sin 45 का मान 1/√2 होता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 1 × नीचे √2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, चूंकि ये भाग में है इसे गुना में चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला जो 1 है वो नीचे चलाएगा, इससे 1 से 1 कट जाएगा, केवल यहाँ पे √2 बचेगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है 1/sin 45 डिग्री, यही 1√2 के बराबर है। अदर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 11 कहता है कि यदि cot θ = 1/√3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। आसान भाषा में कहे तो इस सवाल आपसे ये पूछा है कि cot में कितने डिग्री का मान 1/√3 होते हैं। तो दोस्तों cot में जो 30 डिग्री का मान होता है ना वो √3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का मान 0 होता है, और यहाँ पे cot 60 डिग्री के मान की बात करें तो 1/√3 होता है। तो हमसे बोला गया था कि cot θ = 1/√3 हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान 60 डिग्री होगा जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 12 कह रहा है
कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री तो x का मान क्या हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और तमाम छात्रों को ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा था, तो कॉस 45 का मान आप सभी को मालूम होगा कि 1/√2 होता है, इस पर स्क्वायर है तो हम लोगों को स्क्वायर रख लिया है। फिर माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान आप सभी को मालूम होगा √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो हम लोग भी इसका स्क्वायर कर देंगे। बराबर में दे रखा है x इंटू कॉस 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हम लोग लिखेंगे। फिर गुना में है साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटता है तो केवल दो बचेगा। फिर माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल ये तीन बचेगा, और दो का स्क्वायर दो दूनी चार हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे x इंटू एक में एक से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है एक हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो ये दो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि बटा का जोड़ बनाना है, चार और दो का एलसीएम चार होता है, दो दूनी चार तो दो एकम दो हो जाएगा, और चार एकम चार तो तीन एकम तीन हो जाएगा। यहाँ पे यदि x में वन से गुना करते हैं तो ये x हो जाएगा, बटा दो हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसे कटा देना है दो दूनी चार, यहाँ पे एक बच गया है, ये दो मरते कट गया है। दो में से तीन को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है माइनस एक हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे हम लोग बटा नहीं लिखते हैं, ऐसा करते हैं माइनस एक हो गया है और एक्स में दूसरा करेंगे तो ये दो एक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस एक, यहाँ पे यदि एक से बराबर लिखते हैं माइनस एक तो दो यहाँ पे गुना में है तो बराबर किधर जाकर ये भाग में हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि x बराबर कितना आ गया है, तो माइनस 1/2 आ गया है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चनों में x का जो मान होने वाला है वो माइनस 1/2 होने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। यह एक ऐसा सवाल है, हम 100% गारंटी लेके कहते हैं कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा ना, तो आप जल्दीबाजी में जल्दी से इसका आंसर एक मार्कर और एक नंबर गंवा लीजिएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए बनाना कैसे है, तो यहाँ पे दिया गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप तो याद किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक, तो इसका भी एक ही होना चाहिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत ही सोच रहे हैं। कैसे बनाना है, तो देखिए यदि ये रहता सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तब ना एक होता, लेकिन यहाँ तो उल्टा दे रखा है, तो उल्टा दे रखा है तो हमें कमन करके बनाना होगा। यानी हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, हम लोग एक लिखेंगे। अब दोनों में से क्या करेंगे कि हम माइनस को कमन कर लेंगे, माइनस यहाँ से कमन करते हैं तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस कमन किए तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में एक है, उसे सेम टू सेम लिख दीजिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब माइनस जो यहाँ का माइनस है बराबर को उधर जाकर ये इसमें माइनस लग जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये जो एक था ना ये माइनस एक हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन को अगर उल्टा दे दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो वैसी स्थिति में एक होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब माइनस एक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसमें केवल आपसे फॉर्मूला पूछा गया था और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कि 1+cot² θ / 1+tan² θ बराबर क्या हो जाएगा। तो आसान तरीके से बनाइएगा। देखिए 1+cot² θ बराबर क्या होता है, तो ये cosec² θ होता है। 1+tan² θ बराबर क्या होता है, तो आपका cot² θ होता है। इस प्रकार से ही बना सकते हैं। अगर वैसे बनाने नहीं आते हैं तो 1+cot² θ को सेम टू सेम लिखिए, 1+cot² θ और बटा में दे रखा है 1+ ये टेन स्क्वायर थीटा है। टेन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आता है 1/cot² θ। अब हमें क्या करना है, 1+cot² θ को ज्यों का त्यों उतार देना है
और नीचे देखिए इसके नीचे एक लिखकर एक और कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा, एक में एक से ना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है एक हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा में एक से ना कीजिएगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को जो कहते हैं लिखना है, उसके बाद में हमें ये बटा में ये है, अब हमें गुना में चेंज करना है, तो गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला कॉट स्क्वायर थीटा ये ऊपर जाकर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर था वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो नीचे आ जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हमें ये पता चलेगा कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से आसान तरीके से काट सकते हैं, और बीच में बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऑप्शन सी में देने के कारण अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आसान सा ट्रिक याद कीजिएगा, ऐसा सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में जो पूछा जाएगा ना, तो ऊपर यदि कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा तो आंसर भी कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर रहेगा टेन स्क्वायर थीटा तो आंसर भी आएगा टेन स्क्वायर थीटा। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 4 साइन 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए पहले तो दिया है 4, तो 4 लिखिए, साइन 18 डिग्री दिया गया है तो हम लोग इसे ऐसे करेंगे साइन इंटू 90 माइनस 90 में से हमें 18 को घटा लेना है, तो जाहिर सी बात है 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री बचेगा, इंटू सेक 72 डिग्री को सेम टू सेम लिखना है सेक 72 डिग्री। अब क्या हो जाएगा कि 4 इस साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा होते हैं, थीटा का तो मान यहाँ पे 72 डिग्री है तो हम 72 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद में इंटू में भी है सेक 72 डिग्री तो सेक 72 को सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में आप सभी को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा का मान एक होता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 गुने ये दोनों का मान हमारा एक मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे। अब हमें 4 में एक से गुना कर देना है, तो दोस्तों 4 में एक से ना कीजिएगा ना तो कितना आएगा 4 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 4। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 ऊंचाई दूरी से लिया गया है और आसान भाषा में सवाल पूछ रहा है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए यहाँ पे पाद बिंदु हो जाएगा, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मीनार का ऊंचाई कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल होता है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना, आइए हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मीनार की रचना इस प्रकार से कर लेंगे और इस प्रकार से हम लोग मीनार बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाना है तो समकोण त्रिभुज के जैसा बनाना है, इसका नाम हम ए रखेंगे, इसका बी रखेंगे, वहीं पे इसका सी रखेंगे। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, दोस्तों पाद बिंदु बोलते हैं मीनार के सबसे निचले वाले भाग को और शिखर बोलते हैं सबसे ऊपर वाले भाग को, तो पाद बिंदु बोला गया है तो नीचे वाला बिंदु बी से ये कितना मीटर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर है। फिर बोल रहा है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर से एक जो छाया बन रहा है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री है, तो आपसे बुलाया गया जो ये भी इसने मीनार है ना इसी का ऊंचाई बताइए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। देखिए हमें पी ज्ञात करना है और बी ऑलरेडी दे रखा है, तो पी बटा किस में होता है, तो आप जल्दी से बोल सकते हैं कि सर टेन में होता है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कितना से, तो टेन कितना डिग्री से, तो 60 डिग्री से, तो टेन 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला दोस्तों होता है पी बटा बी, जैसे हम लोग ए बी बटे बी सी लिख सकते हैं, आइए लिख लेते हैं ए बी बटे BC। अब जरा ध्यान दीजिएगा टेन 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर रूट अंडर 3 होता है। उसके बाद में P का मान यानी AB का मान तो ऑलरेडी नहीं दे रखा है तो हम लोग P लिखेंगे, BC का मान 100 मीटर दिया गया है तो हम लोग 100 मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा P में एक से गुणा करेंगे तो हमारा P आ जाएगा, 100 में रूट अंडर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 100 रूट अंडर 3 आएगा। इसके बाद में इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता और ऑप्शन में भी हमारा 100 रूट अंडर 3 दिया जा चुका है, अतः हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 100 रूट अंडर 3 मीटर होगी। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 18 कहता है कि 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार की ऊंचाई दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
कि एक मीनार की रचना करेंगे जिस प्रकार से पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अंतर इतना ही है, इसमें मीनार की ऊंचाई दिया गया तो दूरी पूछा गया है, यानी ये जो आपका मीनार है ना इसका ऊंचाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मीटर दे रखा है। इसका नाम ए रखेंगे, बी और सी रखेंगे, और ये आपका जो कोण है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री है। अब हमें ज्ञात करना है ये बी, पी ऑलरेडी दे रखा है तो हम लोग फिर से बनाएंगे टेन कितना डिग्री से, तो दोस्तों टेन 30 डिग्री से। फॉर्मूला पी बटा बी होता है तो पी बटा बी लिखेंगे, टेन 30 का मान 1/√3 होता है तो 1/√3 लिखेंगे, पी का मान दोस्तों 10 है तो 10 लिखेंगे, और बी का मान नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी में 1 से गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा, 10 में √3 से गुणा करेंगे तो 10√3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं प्रिंट करता हूं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।